समुद्र मंथन से निकली काम धेनु गौ माता आज भी धरती पर मौजूद हैं, जो आज बहुत नस्ल की गाय के रूप में फैल गई हैं। भारत में 32 प्रजातियों की गाय पाई जाती हैं, जिसमें 7 छोटी कद वाली प्रजाति पाई जाती हैं, जिसमें पुंगनूर गाय भी आती है। आज के वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 14 रत्नों में से जो काम धेनु गौ थी, उनकी हाइट 16 फीट थी और आज की गाय है 2 फीट की। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में नादीपति गौशाला है, जिसमें वैद्य डॉक्टर पी कृष्णम राजू पुंगनूर गायों की गौशाला बनाए हैं। उन्होंने 2007 में 10 पुंगनूर गाय खरीद कर किसानों को दी और उनका कद 3 से 5 फीट था, जिसकी हाइट घटाने पर शोध शुरू हुआ लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिर 2009 में एक पुंगनूर की शुद्ध नस्ल की गाय खरीद कर उसकी हाइट घटाने पर शोध शुरू किए। इसके बाद 2019 में 2 फीट की 500 तक गाय तैयार कर लिए, जिनका नाम माइक्रो मिनिएचर पुंगनूर रखे हैं, जो फ्लैट में भी हम पाल सकते हैं। उनका नादीपति गौशाला 5 एकड़ में बना है और वे अभी भी शोध कर रहे हैं, जो कि 2 फीट से घटाकर 1 फीट की हाइट तक गाय तैयार करने वाले हैं, जो दुनिया की सबसे छोटी नस्ल की गाय होगी। कहते हैं कि त्रेता युग में श्री राम के गुरु वशिष्ठ के पास भी पुंगनूर गाय थी। इन गायों को लेकर आज भी लोगों में बहुत आस्था है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में 200 पुंगनूर गायें पाली जाती हैं, जिनके दूध से जो घी निकलता है उसको प्रसाद के रूप में लड्डू तैयार किया जाता है। ये गायें और भी कई जगहों पर पाली जाती हैं। ये एक बार माँ बनने पर 207 दिन में 540 लीटर तक दूध देती हैं। इनका यूरिन और गोबर फसलों के लिए काम में लाया जाता है। इनके दूध में फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, जो बीपी शुगर जैसी बीमारियों में बहुत सहायक होती है। ये 5 किलो तक चारा खाती हैं। डॉक्टर राजू की माइक्रो मिनिएचर गाय भी बहुत अच्छा दूध देती है और उनकी कीमत लाखों में है। क्या आपको यह गाय प्यारी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं।